Let f of x equals to x to the power p into sine of 1 upon x plus x into mod x cube. Yeah, mod x cube when x is not equals to 0 and fx equals to 0 if x is equals to 0. Set of values of p for which f double dash x is continuous at x is equals to 0. ठीक है, तो f double dash x जो है वो 0 पे continuous है, तो p की value अपने को find out करना. ठीक है, अपन पहले f double dash x निकालें. fx अगर अपन देखें तो fx क्या define है, अपन जानते हैं कि x cube positive होता है. ठीक है, x cube positive होता है किसके लिए, x cube greater than equals to 0 होता है for x greater than equals to 0 के लिए, और x cube की value less than 0 होता है for x less than 0 के लिए. ठीक है, अब ये स्क्वायर मॉड के अंदर है. ठीक है, x cube जो है यहाँ पे मॉड के अंदर है, तो ये ओपन किससे हो जाएगा, अगर अपन देखें तो ये ओपन हो जाएगा अपने पास x की पावर p into sin of 1 upon x, x की पावर p into sin of 1 upon x. और x cube पॉजिटिव कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा, और x cube अगर पॉजिटिव होगा तो mod of x cube plus sin के साथ ओपन होगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा प्लस में x की पावर 4, और ये x greater than 0 के लिए ओपन होगा. x equals to 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0. ठीक है, x equals to 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 at x equals to 0, और ये ओपन हो जाएगा अपने पास x की पावर p sin of 1 upon x, sin of 1 upon x, और x नेगेटिव के लिए x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और मॉड वैल्यू है तो वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x की पावर 4 फॉर x लेस देन 0. तो ये अपने पास फंक्शन के लिए डेफिनेशन हो गया. अपने को क्या निकालना है, f डबल डैश x को कंटिन्यूस बताना. ठीक है, पहले अपन f डबल डैश x निकाले, एफ एक्स अगर ये है तो अपन यहाँ से f डैश x निकाल सकते हैं. f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, f डैश x की वैल्यू देखिए तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा. तो x की पावर p अपन एज इट इज रहने दे, x की पावर p अपन एज इट इज रहने दे, ये क्या आ जाएगा, x की पावर p इंटू साइन ऑफ 1 बाई x का डिफरेंशिएशन अपन करते हैं. ठीक है, x की पावर p एज इट इज साइन ऑफ 1 बाई x का, साइन 1 बाई x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास कॉस 1 बाई x. ठीक है, साइन 1 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस 1 बाई x, और 1 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या होता है अपने पास, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस x की पावर p का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा p x की पावर p माइनस 1, p x की पावर p माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ 1 अपॉन x, साइन ऑफ 1 अपॉन x, प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा 4x क्यूब विच इज, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए ये सॉल्व होगा. तो बेसिकली अगर अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो तो ये रीअरेंज करके अगर अपन इसकी वैल्यू देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये x पॉजिटिव के लिए अपन फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आएगा माइनस ऑफ, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ x की पावर p माइनस 2, x की पावर p माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ 1 बाई x, कॉस ऑफ 1 बाई x, प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास p इंटू x की पावर p माइनस 1 साइन ऑफ 1 अपॉन x, प्लस में 4x³ x ग्रेटर देन 0, और एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 फोर एक्स इक्वल टू 0 पे, और x नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, x नेगेटिव के लिए वैल्यू बस यहाँ पे साइन चेंज होगा, और ये आ जाएगा अपने बस माइनस x की पावर p माइनस 2 माइनस, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस x की पावर p माइनस 2 इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 1 बाई एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा p इंटू x की पावर p माइनस 1, और यहाँ पे साइन 1 बाई एक्स एज इट इज, साइन 1 बाई एक्स एज इट इज, और अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो यहाँ पे बस माइनस साइन आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 4x³ 4x < 0, ये यहाँ पे इसके लिए डेफिनेशन हो जाएगा, ये अपने पास इस तरीके से इसका डेफिनेशन हो जाएगा. ठीक है, ये अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट किया और फिर मैं इसी को यहाँ पे रीअरेंज किया. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x की पावर p माइनस 2 cos ऑफ 1 बाई x प्लस p इंटू x की पावर p माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 1 बाई x प्लस 4x³. अपने को क्या निकालना है, f डबल डैश x. ठीक है, f डबल डैश x अगर अपने को निकालना है तो इसको अपन फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अगर अपन फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब अपने पास इसको अगर अपन फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, x पॉजिटिव के लिए अगर मैं डिफाइन करूँगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आएगा, तो वैल्यू आ जाएगा माइनस x की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे p माइनस 2, और cos ऑफ 1 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा अपने पास,
ये आ जाए अपने पास साइन ऑफ वन बाय एक्स, और इंटू में क्या आ जाए अपने पास कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा अपने पास माइनस साइन ऑफ वन बाय एक्स, तो माइनस के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है प्लस आ जाएगा, और वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अगर अपने इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस एज इट इज, ये जाएगा माइनस एज इट इज एक्स की पावर पी माइनस टू का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये जाएगा एक्स की पावर पी माइनस टू, एक्स की पावर पी माइनस टू, पी माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स की पावर पी माइनस थ्री, और ये वैल्यू आ जाएगा कॉस ऑफ वन बाय एक्स एज इट इज, ठीक है कॉस ऑफ वन बाय एक्स एज इट इज, प्लस यहाँ पे अब अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह जाएगा पी इंटू एक्स की पावर पी माइनस वन इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपने पास, ये वैल्यू आ जाएगा कॉस ऑफ वन बाय एक्स, कॉस ऑफ वन बाय एक्स, और वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी इंटू पी माइनस वन इंटू में एक्स की पावर पी माइनस टू और साइन ऑफ वन बाय एक्स, ठीक है ये वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास साइन ऑफ वन बाय एक्स। इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन देखें यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, ये साइन क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस पी इंटू पी माइनस वन, पी इंटू पी माइनस वन, पी इंटू पी माइनस वन इंटू एक्स की पावर पी माइनस टू, और यहाँ पे साइन ऑफ वन बाय एक्स एज इट इज, ठीक है ये अपन ने इसमें क्या किया प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया, ठीक है पहले इसको डिफरेंशिएट किया साइन ऑफ वन बाय एक्स को, फिर अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया, और फोर एक्स क्यूब को अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा प्लस में ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। इसको अगर अपन रीअरेंज करेंगे कि एक्स इजकल्स टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, ये वैल्यू सिंपली आ जाएगा माइनस एक्स की पावर पी माइनस फोर, ठीक है ये वैल्यू क्या आ जाएगा सिंपली यहाँ पे एक्स की पावर क्या आ जाएगा अपने पास पी माइनस फोर, एक्स की पावर पी माइनस फोर इंटू में क्या आ जाएगा अपने पास साइन ऑफ वन बाय एक्स, ठीक है इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ वन बाय एक्स, और इसकी वैल्यू अगर अपन देखो तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा पी माइनस टू, पी माइनस टू एक्स की पावर क्या आ जाएगा अपने पास पी माइनस थ्री इंटू में कॉस ऑफ वन बाय एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ से अपने इसकी वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा पी इंटू यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा माइनस में पी इंटू एक्स की पावर पी माइनस थ्री होगा यहाँ पे पी माइनस थ्री इंटू कॉस ऑफ वन बाय एक्स, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा पी इंटू पी माइनस वन इंटू एक्स की पावर पी माइनस टू और साइन ऑफ वन बाय एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास प्लस में ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ये एक्स पॉजिटिव के लिए होगा और इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगा जीरो, फोर एक्स इक्वल्स टू जीरो, जीरो फोर एक्स इक्वल्स टू जीरो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपली निगेटिव में क्या आ जाएगा बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस एक्स की पावर पी माइनस फोर, और ये वैल्यू आ जाएगा साइन ऑफ वन बाय एक्स माइनस ये वैल्यू आ जाएगा पी माइनस टू इंटू एक्स की पावर पी माइनस थ्री कॉस ऑफ वन बाय एक्स माइनस पी इंटू यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की पावर पी माइनस थ्री इंटू में क्या आ जाएगा कॉस ऑफ वन बाय एक्स, प्लस ये वैल्यू आ जाएगा पी इंटू पी माइनस वन इंटू एक्स की पावर पी माइनस टू, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ठीक है तो ये डेफिनेशन अपने पास एफ डबल डैश एक्स की आ जाएगी, ठीक है ये यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स को अगर अपन रीअरेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब अपन कंटिन्यूस अगर है तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करना है, तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या है अपने पास जीरो, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या है जीरो, और अगर मैं आर एच एल की वैल्यू देखूँ आर एच एल राइट हैंड लिमिट तो ये क्या डिफाइंड था, ये एक्स पॉजिटिव के लिए डिफाइन था और ये एक्स निगेटिव के लिए डिफाइन था, एक्स पॉजिटिव के लिए अगर अपन डिफाइन करें ये अपने पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो प्लस, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जाएगा माइनस एक्स की पावर पी माइनस फोर इंटू साइन ऑफ वन बाय एक्स माइनस ये आ जाएगा पी माइनस टू इंटू एक्स की पावर पी माइनस थ्री कॉस ऑफ वन बाय एक्स, यहाँ पर आ जाएगा माइनस पी इंटू एक्स की पावर पी माइनस थ्री इंटू में क्या आ जाएगा कॉस ऑफ वन बाय एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा पी इंटू पी माइनस वन इंटू एक्स की पावर पी माइनस टू इंटू साइन ऑफ वन बाय एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। अब अगर अपन देखो तो एक्सटेंडिंग टू जीरो पे इस लिमिट को एग्जिस्ट होना है, अगर लिमिट को एग्जिस्ट होना है तो अपन जानते हैं एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस पे ये क्या होगा, इसकी वैल्यू ऑसिलेट करेगा, इसकी वैल्यू ऑसिलेट करेगा, ठीक है इसकी भी वैल्यू क्या होगा ऑसिलेटिंग होगा, इसकी वैल्यू ऑसिलेटिंग होगा और इसकी भी वैल्यू क्या होगा ऑसिलेटिंग होगा, और ये जीरो को अप्रोच करेगा, ये तो जीरो को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे एक्स की पावर पी माइनस फोर क्या होना चाहिए पॉजिटिव।
अगर x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो x क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर होना चाहिए, ठीक है। x क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपन बोलेंगे कि p माइनस 4 की वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। p माइनस 4 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x जो है वो न्यूमरेटर में आना चाहिए, x की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं आ सकती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, पी माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x की पावर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब पी माइनस 4 पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पर अगर अपन लगाएंगे तो पी माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, पी माइनस 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे पी माइनस 2 पॉजिटिव। तो ओवरऑल अगर अपन देखें सॉल्यूशन, तो पी की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अगर अपन इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो पी बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 टू इन्फिनिटी। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अपन सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी बस यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेगी। तो पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे अपन 4 से ग्रेटर मतलब 5 पे अपन ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी।